नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। पूर्वी चंपारण में बाढ़ से हालात लगातार खराब ही होते जा रहे हैं। पताही प्रखंड की बात करें तो वहां आप देख सकते हैं, विजुअल आप देखिए, उसमें थाना परिसर में पानी लगा हुआ है। तो वही फेनहरा जो पताही फेनहरा जो पथ है उस पर 2 फीट पानी ऊपर चल रहा है और वहाँ की स्थिति जो है वो काफ़ी जो है शोचनीय हो गई है। और आपको बताते चले कि जो पताही अंचल कार्यालय है वहाँ का, बिहार राज्य खाद्य गोदाम मनोरोग कार्यालय और पताही थाना परिसर में जल जमाव हो गया है, जिससे वहाँ के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको कि नदी का जलस्तर बढ़ने से पताही और फेनहरा पथ पर करीब 2 फीट से ज़्यादा पानी बह रहा है, जिससे आवागमन ठप हो चुका है। वही प्रखंड मुख्यालय से गोनाही पंचायत को जोड़ने वाली पथ पर कोदरिया के पास 3 से 4 फीट पानी चढ़ गया है, जिसके कारण गोनाही पंचायत के लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क खत्म हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि पूर्वी चंपारण में जो है बाढ़ के हालात कैसे होते जा रहे हैं। हम भी लगातार आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि जो नेपाल से जो पानी आ रहा है और बारिश हो रही है, इसके कारण यहाँ पर बाढ़ की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी गहराते जा रहा है। अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अभी जो है वो 2-3 ही रास्ता यहाँ मोतिहारी में खुले हुए हैं या पूरी तरह सुरक्षित है। मोतिहारी से आपको लखौरा की तरफ जाने वाला जो पथ है उसमें कुंवारी देवी चौक के पास उसे बंद कर दिया गया है। तो वही ढाका जाने वाला जो रास्ता है उसमें बसतपुर के पास जो है पानी सड़क पर 3 से 4 दिनों से बह रहा है। तो वही इसके अलावा आपको बताया चले कि पताही में जो है लगातार स्थिति खराब हो रही है। बागमती के लगातार जलस्तर में वृद्धि और बारिश के कारण जो है वहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि आप थाने में और फिर से वहाँ के जितने भी सरकारी कार्यालय है वहाँ पानी लग जा रहे हैं और कितने गांवों का संपर्क जो है प्रखंड मुख्यालय से या जिला मुख्यालय से टूटा हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार काम कर रही है और बाढ़ के इस समस्या से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लोगों को राहत बचाव के कार्य लगे हुए हैं और हेलीकॉप्टर की भी सेवा इसमें ली जा रही है। तो बिहार में जो है वो बाढ़ से जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है। वही 27 से लेकर 29 जुलाई तक जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है 17 जिलों में बिहार के तेज़ बारिश होने की। तो फिलहाल ये जो वीडियो है ये हमें संतोष ने भेजा है खबर, पताही कहीं रहने वाले हैं और लगातार हमें वहाँ की खबरें भेजते रहते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।